अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज पीपीएससी का इवनिंग में इंस्पेक्टर और इंस्पेक्ट्रेस कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का पेपर था, जो कि क्लबिंग आईडी जो है 104 के तहत कंडक्ट हुआ। इसकी क्लबिंग आईडी 104 थी, इवनिंग में आज कंडक्ट हुआ 10 अगस्त 2024 को। क्वेश्चन मेरे पास 50+ मौजूद हैं, अराउंड 54 के करीब मेरे पास क्वेश्चन हैं जो कि हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, टेम्पल ट्री इज द ऑफिशियल रेजिडेंस ऑफ, ये पीपीएससी का रिपीटेड क्वेश्चन है, इससे पहले भी आता रहा है। जो श्रीलंकन प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका, उसकी जो ऑफिशियल रेजिडेंस है श्रीलंका में, उसे टेम्पल ट्री के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच इज द सेकेंड हाइएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। तो ये क्वेश्चन किसने शेयर किया हुआ था, मैंने इंक्लूड कर लिया, जिन्होंने पेपर दिया वो बता भी दीजिएगा कि क्वेश्चन किस तरह से था, यह था भी या नहीं था, बहरहाल मैंने इंक्लूड कर लिया इसको। दुनिया में सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, और उसके बाद जो है दूसरे नंबर पे केटू आती है, जिसे गुडविन ऑस्टिन के नाम से भी जाना जाता है। इस्लामिया कॉलेज लाहौर वॉज फाउंडेड इन, इनिशियली इसका नाम जो है वो और था, ये वैसे जो है वो जून 1886 में इस्टेब्लिश हुआ था इस्लामिया कॉलेज लाहौर, बाद में नाम वक्त के साथ साथ चेंज भी होते रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गर्ल हु रिसीव्ड, एक स्काउट गर्ल थी, कोविड-19 के दौरान बहुत ज़्यादा यानी एक्टिव होने की वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने उसको कोविड-19 का हीरो करार दिया था, उसको अवार्ड भी दिया था। पाकिस्तानी गर्ल का नाम था, 10 साल बच्ची थी, जिसका नाम लैला खान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया टुक कश्मीर इशू टू यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ऑन, तो किस डेट को लेके गया था, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। 1 जनवरी 1948 को इंडिया ने डिसाइड किया कि उसने कश्मीर इशू को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर लेके जाना है। ताजमहल इज लोकेटेड इन, तो ताजमहल जो मॉन्यूमेंट है वो आगरा शहर के अंदर है, उत्तर प्रदेश में। और एक क्वेश्चन ये भी आता है, किस दरिया के किनारे है, तो ये दरियाए यमुना के किनारे वाक़ है, यमुना जिसे कहा जाता है। वो डिफिटेड इब्राहिम लोदी इन 1526, तो पानीपत की पहली लड़ाई के अंदर मुगल बादशाह जो है वो लोदी सल्तनत के जो आखिरी बादशाह हैं इब्राहिम लोदी, उसको शिकस्त हुई बाबर के हाथों, और बाबर ने मुगलिया सल्तनत की बुनियाद रखी बरसगीर पाको हिंद में 1526 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लियाकत नेहरू पैक्ट वॉज साइंड इन, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। लियाकत नेहरू पैक्ट जो है पाकिस्तान इंडिया के दरमियान 8 अप्रैल 1950 को साइन हुआ था। नेक्स्ट है, हु वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान, या इलेक्टेड जो 1951 में जो गवर्नर जनरल पाकिस्तान के बने, वो तीसरे गवर्नर जनरल यानी कि मलिक गुलाम मोहम्मद थे, उससे पहले ख्वाजा नाजमुद्दीन थे, ख्वाजा नाजमुद्दीन के बाद गुलाम मोहम्मद बने। नेक्स्ट है, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। सिकंदर मिर्जा वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। नेक्स्ट है, हु एंडेड द मार्शल लॉ इन 1985, 1985 में जनरल जियाउल हक ने मार्शल लॉ को खत्म कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आफ्टर जियाउल हक, 1988 में जो हेलीकॉप्टर हादसा था उसके बाद जियाउल हक साहब जो हैं उनकी वफात हो गई, और उसके बाद जो हैं वो गुलाम इसहाक खान प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बने। नेक्स्ट है, हु इज कॉल्ड द मदर ऑफ नेशन, तो पाकिस्तान में मदर ऑफ नेशन, मादर मिल्लत, तो फातिमा जिन्ना कहा जाता है। नेक्स्ट है, व्हाट वाज द मेन पर्पस ऑफ शिमला डेपुटेशन, शिमला डेपुटेशन जो शिमला वफद था वो लॉर्ड से मिलने गया था, और जनाब इसके तकरीबन 35 अफराद पर मुश्तमिल था, और उनका यानी कह लें कि मेन जो मकसद था वो था कि मुसलमानों को सियासत में नुमाइंदगी इक्वल दी जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉसिबल आंसर जो है वो यही हो सकता था, बाकी जिन लोगों ने पेपर दिया वो बता दीजिएगा ये क्वेश्चन किस तरह से पूछा गया था, ये ऑप्शंस क्या थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लखनऊ पैक्ट वॉज साइंड बिटवीन इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड, तो लखनऊ पैक्ट 1916 में हुआ था मुस्लिम लीग और कांग्रेस के दरमियान। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, स्ट्रिंजर मिसाइल वॉज गिवन टू पाकिस्तान ड्यूरिंग, तो स्ट्रिंजर मिसाइल का जो यूज है वो अफगान वार के अंदर हुआ था, सोवियत वॉर इन अफगानिस्तान 1985 के अंदर इसका यूज हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमर्जेंस ऑफ पाकिस्तान एक बुक है जो कि लिखी है चौधरी मोहम्मद अली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु वाज द फाउंडर ऑफ तुगलक डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी की बुनियाद बरसगीर में 1320 में रखी गई थी, और गयासुद्दीन तुगलक जो था वो इसका बानी था, फाउंडर था तुगलक डायनेस्टी का। हु गेव प्रेजिडेंशियल एड्रेस इन लाहौर रेजोल्यूशन, तो 1940 में जब लाहौर रेजोल्यूशन जो है वो प्रेजेंट की गई, तो उस सेशन की जो सदारत है वो कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना कर रहे थे, तो लाजमी बात है जो सदारती खिताब था वो भी
कायदे आजम ने ही दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है चाइना साइन 25 इयर्स स्ट्रेटेजिक डील विद, तो चाइना और ईरान की जनाब कोऑपरेशन डील हुई है 25 साल की, तो ईरान राइट ऑप्शन होगा। हु वाज द मैन ऑफ द टूर्नामेंट ड्यूरिंग T20 वर्ल्ड कप 2021, तो 2021 का T20 वर्ल्ड कप में जनाब डेविड वार्नर जो थे वो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फीफा वाज फाउंडेड इन, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, फीफा जो है वो 1904 में एस्टैब्लिश हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है शॉर्टकट की टू रीसेट हाइलाइटेड टेक्स्ट टू डिफॉल्ट फॉन्ट साइज इन एमएस वर्ड, तो शॉर्टकट की उसके लिए कंट्रोल प्लस स्पेस बार की शॉर्टकट की जो है वो यूज की जाती है, आपने जो सेलेक्ट किया है टेक्स्ट उसको डिफॉल्ट फॉन्ट साइज पे लाने के लिए। प्रिंट प्रीव्यू शॉर्टकट की, ये मुझे क्वेश्चन इस तरह से मिला, अब अगर यही क्वेश्चन था तो उसकी जो शॉर्टकट की है वो कंट्रोल प्लस F2 बनती है प्रिंट प्रीव्यू के लिए। नेक्स्ट है MS PowerPoint is used for, तो MS PowerPoint जो है वो presentations बनाने के लिए ही यूज होता है, to create presentations. Default page orientation in MS PowerPoint, तो MS PowerPoint के अंदर जो default set जो page orientation है वो landscape होती है। Next question है landscape and portrait are, ये repeated question है, previously भी आता रहा है papers के अंदर, तो लैंडस्केप और पोर्ट्रेट जो है ये पेज ओरिएंटेशंस है, जब आप प्रिंट की कमांड देते हैं तो ये पेज ओरिएंटेशन के सेक्शन के अंदर आपको ये दोनों नजर आ रही होती है कि लैंडस्केप में प्रिंट करना है ये पोर्ट्रेट में प्रिंट करना है। नेक्स्ट है जी शॉर्टकट की फॉर स्लाइड शो, तो पावर पॉइंट के अंदर स्लाइड शो स्टार्ट करने के लिए F5 की शॉर्टकट की जो है वो यूज की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीज ऑफ डमस्कस, तो ये जनाब खुलफाए राशिदीन के दौर में ही 634 में जो इनिशियल इस्लाम की जंग है उनके अंदर ही आता है, और इसकी डेट जो है वो शायद अगस्त से सितंबर के दरमियान में बनती है, 634 इसका सन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गजवा खंदक, जिसे जिसका दूसरा नाम गजवा एजाब भी कहा जाता है, जो कि लड़ी गई 5 हिजरी में, राइट ऑप्शन 5th of हिजरी होगा। The Holy Prophet, peace be upon him, sent letters to the kings in which Hijri, तो कौन से हिजरी साल के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बादशाहों को खतूत लिखे थे, तो 6 हिजरी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो खतूत लिखे थे मुख्तलिफ मुल्कों के बादशाहों को। नेक्स्ट है विच बुक इज रोट बाय हजरत अली या एसोसिएटेड विद हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु, तो नहजुल बलागा जो है वो बुक का नाम अक्सर आपने सुना होगा, तो ये जो है वो हजरत अली से एसोसिएटेड है। उर्दू में सकता, सकता बोलते हैं कॉमा को, तो उर्दू में जो कॉमा का साइन है वो इस तरह से होता है, इस तरह से उल्टा जो साइन है, क्योंकि आप इधर राइट साइड से उर्दू लिखते आ रहे होते हैं तो इस तरह ये कॉमा का साइन बनता है। इंग्लिश क्योंकि आप लेफ्ट साइड से लिखते आएंगे तो कॉमा जो है वो उल्टा होगा, यानी कि नीचे की तरफ होगा। सकता की अलामत जो है वो जुमले के अंदर पॉज के लिए यूज की जाती है। उर्दू का पहला नावलिस्ट यानी उर्दू का पहला नावल निगार नज़ीर अहमद, पहले उर्दू के नावल निगार, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। उस्ताद दामन वाज अ पोएट ऑफ विच लैंग्वेज, तो पंजाबी लैंग्वेज इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायरेक्शन ऑफ हजरे अस्वद, तो हजरे अस्वद की डायरेक्शन आप गूगल पे भी सर्च कर लें तो वो जनाब ईस्ट साइड वो आपको बताएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लंडन इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत मरतबा पीपीएससी ने पहले भी पेपर्स के अंदर पूछा है। रिवर थेम्स के किनारे जो है वो लंडन का शहर आबाद है। नेक्स्ट है जी बेकिंग सोडा इज द अदर नेम ऑफ, बेकिंग सोडा का केमिकल नेम कह लें तो वो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। नेक्स्ट है जी लीप ईयर कम्स आफ्टर, तो लीप ईयर जो है वो हर 4 साल के बाद आता है, जिसमें के फरवरी का महीना जो है वो 29 दिन का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रियल नेम ऑफ इब्ने अंशा वॉज, तो इब्ने अंशा का असल नाम शेर मोहम्मद खान था। नेक्स्ट है जी जलाली कैलेंडर वॉज इंट्रोड्यूस बाय उमर खयाम, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, प्रीवियसली पेपर्स के अंदर ये आता रहा है। नेक्स्ट है हु वॉज द फादर ऑफ नेशन ऑफ भूटान, तो जनाब एक मुश्किल सा नाम है जी जिगमे दोरजी वैंगचुक करके कुछ नाम है जी, इसे भूटान में फादर ऑफ नेशन के तौर पर जाना जाता है, मॉडर्न भूटान का फादर ऑफ नेशन। तरबेला डैम वॉज कम्प्लीटेड इन, तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले भी आता रहा है, 1976 में तरबेला डैम की कंस्ट्रक्शन मुकम्मल हो गई थी। एक क्वेश्चन जनाब मैथ का मुझे इस तरह से मिला है, ये है जनाब 4036 डिवाइडेड बाय 0.04, तो इसको आप सिंपली डिवाइड करें तो 100900 ये आपके पास आंसर आ जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज न्यू डील वॉज रिटन बाय, ये भी प्रीवियसली आता रहा है क्वेश्चन, तो न्यू डील वॉज रिटन बाय यूएस प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन रोजवेल्ट। नेक्स्ट है जी, दरसे निजामी वॉज इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग हुज पीरियड, तो मुगल बादशाह का नाम शायद आपसे पूछा गया हो, तो हुमायूं के दौर के अंदर दरसे निजामी जो है वो स्टार्ट हुआ था, इंट्रोड्यूस हुआ था। सिस्टम ऑफ बेसिक डेमोक्रेसीज वॉज इंट्रोड्यूस बाय, तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ये जनाब सिस्टम अयूब खान ने इंट्रोड्यूस करवाया था। नेक्स्ट है जी, मेंबर्स ऑफ क्रिकेट टीम या प्लेयर्स ऑफ क्रिकेट टीम, तो एक क्रिकेट टीम के जो प्लेयर्स होते हैं वो 11 होते हैं खिलाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड इज, तो सबसे छोटा एरिया के हिसाब से ऑस्ट्रेलिया है और सबसे बड़ा जो है वो एशिया है। नेक्स्ट है जी, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी इज, ये कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है, बिट जो है वो सबसे छोटा यूनिट है मेमोरी का, बिट से बड़ा बाइट, फिर जनाब जनाब किलो बाइट हो जाता है, मेगा बाइट हो जाता है, इस तरीके से आगे चलता रहता है। रियल नेम ऑफ लाल शहबाज कलंदर वॉज, सैयद उस्मान शाह मरवंदी वॉज द रियल नेम ऑफ शहबाज कलंदर, लाल शहबाज कलंदर। योब रिवर जो है वो बलोचिस्तान के अंदर है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, यूपीएस स्टैंड फॉर अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, इसका करेक्ट आपके पास एब्रिवेशन बन जाएगा। तो जनाब ये कुछ क्वेश्चन थे, स्लाइड्स मेरे पास एंड हो चुकी हुई हैं, ये जनाब क्वेश्चन थे आज के पेपर के। अब इनमें ये मुझे मुख्तलिफ सोर्सेज से मिले हैं, तो मैंने इनको कंपाइल किया और जो पॉसिबल बेस्ट आंसर हो सकता था वो मैंने अपने हिसाब से बताया। बाकी जिन लोगों ने पेपर दिया हो वो लोग कमेंट्स के अंदर बता दीजिएगा कहीं पे कोई मिस्टेक हुई है या क्वेश्चन वैसा नहीं था, मैंने यहाँ पे और तरीके से लिखा हो या आंसर कुछ और बताया हो, तो उसको बताइएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में।